hello students today we are going to do theorem 6.5 lines and angles chapter 6 class 9th mathematics now let's start what is the theorem so theorem is if a transversal intersects two lines such that a pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary then the two lines are parallel एक जो टू नाउ टू गिवन दे आर नॉट पैरल बट मेक इट जस्ट लाइक पैरल ओनली सो दिस आर द टू लाइन्स एंड ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड दिस इज ट्रांसवर्सल पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट अब क्या गेवन है हमें कि थ्री प्लस सिक्स का साम वन एटी है और फोर प्लस सम फाइव का सम वन गिवन है और हमें शो करना है कि लाइंस क्या होंगी दोनों पैरेलल होगी सो लेट स्टार्ट विद गिवन ओनली गिवन क्या है गिवन एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसफर्सल सप्लीमेंट्री गिवन टू लाइंस पहले लिख देते हैं गिवन टू लाइंस एम एन एन एंड टी से ट्रांसफर्सल टी देते हैं इसको ट्रांसफर्सल को एंड टी से ट्रांसफर्सल और एक चीज क्या दे रखी है एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स का सम वन एटी दे रखा है एंड एंगल फोर प्लस एंगल फाइव का सम वन एटी के बारे और हमें प्रूव क्या करना है वी नीड टू प्रूव दैट लाइन्स आर पैरेलल टू प्रूव एम इज पैरेलल टू एम तो प्रूव स्टार्ट करते थे अगेन फर्स्ट थिंग इज गिवन टू अस थ्री प्लस सिक्स का गिवन टू एंगल थ्री प्लस इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं ये हमको दे रखा है तो 1, इसकी से हम कुछ करने वाले नाउ टू प्लस थ्री का सम वन एटी डिग्री वाई टू प्लस थ्री का समी डिग्री ली ना पेर एग्जाम 2 प्लस थ्री का समय कितना होगा 180 डिग्री ये लीनियर पेयर एग्जाम एक रे स्टैंड कर रही है इस लाइन के ऊपर टी लाइन के ऊपर एक रे है तो 2 प्लस थ्री का सम कितना हुआ 180 एटी तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्व टू वन डिग्री और इसका रीजन है लीनियर पेयर एग्जाम तो यू मस्ट नो ऑल एग्जाम्स सो गिव इज गिव इट इक्वेशन नंबर टू

आपको वापस से यूक्लिड से एग्जाम याद हो तो इक्वल्स कैन बी इक्वल्स तो ये थ्री है और ये थ्री है दोनों तरफ हमने थ्री सब्ट कर देते हैं तो रिमाइंडर जो आएंगे वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो क्या हुआ इससे हम कर देते हैं थ्री और थ्री कर देते हैं और रीजन क्या है बाय यूक्लिड एग्जाम यूक्लिड के एग्जाम से हमने ऐसा किया है अब इससे क्या रिजल्ट आया फाइनली हमारे पास एक रिजल्ट आ गया और वो क्या था एंगल सिक्स इक्वल्स टू एंगल टू आ गया अब नाउ सी एंगल सिक्स एंगल टू के इक्वल आ रहा है बट दिस इज ए पेयर ऑफ करस्पोंडिंग एंगल ये सिक्स और टू तो करस्पोंडिंग एंगल है तो राइट बट दिस इज पेयर ऑफ पेयर ऑफ करस्पोंडिंग एंगल और अगर ये करस्पोंडिंग एंगल है तो इससे क्या रिजल्ट आएगा अगर करस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती है तो इससे रिजल्ट आया हमारे पास एम इज पैरेलल टू एन एम इज पैरेलल टू एन और इसका रीजन क्या है करस्पोंडिंग एंगल एग्जियम है क्योंकि अगर दो करस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या जाती हो जाती है पैरेलल हो जाती है तो रीजन एम इज टू एन आ गया तो इसका रीजन लिखेंगे आप जने करस्पोंडिंग एंगल एक्सियम। यहां लिख देते शॉर्ट में करस्पोंडिंग एंगल एक्सियम। सो दिस कंप्लीट्स दिस थ्योरम। आई होप यू अंडरस्टूड द थ्योरम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग